दोस्तों अभी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अशोक लेलैंड बस का गियर कैसे समझें। मैं आपको दोस्तों ऐसा तरीका बताने वाला हूं, उसके बाद आप अपने गियर को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो यहां पर गियर को समझते हैं। देखिए इसमें आपका एक रिवर्स गियर लगता है और 6 फॉरवर्ड गियर लगते हैं, और इसमें आप ऐसे समझिए ये 4 पोजिशन दे रखी है, जिसमें जिस जगह आपका गियर अपने आप रुका हुआ है उसके यदि आप डायरेक्ट आगे प्रेस करते हैं तो आपका 3 नंबर लगेगा, और डायरेक्ट यदि पीछे प्रेस करते हैं तो 4 नंबर लगेगा। अब देखिए जैसे मुझे 1 नंबर लगाना है तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा गियर को उस साइड धक्का दूंगा तो गियर यहाँ अपने आप आ जाएगा। देखिए हल्का सा धक्का दिया, आगे प्रेस किया 1 नंबर, और उसके बाद छोड़ेंगे तो वापस ये वहीं आ जाएगा जहाँ पर 3 और 4 लगता है। ठीक है, इसको फिर ऐसे ले जाना है और ऐसे पीछे दबाना है तो 2 नंबर लग जाएगा। अब जैसे मुझे 5 नंबर लगाना है तो दोस्तों मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा। ओके देखिए ये पोजीशन बीच में तो 3 और 4 की है, इसके इस साइड क्या लिखा हुआ है, 5 और 6 लिखा हुआ है। तो ये आगे दबाएंगे तो 5 नंबर, पीछे दबाएंगे तो 6 नंबर, जैसे छोड़ेंगे तो वापस ये आपका 3 और 4 की जगह चला जाएगा। यानी ये आपका इसका मिडिल पोजिशन जो है उस पर अपने आप गियर रुका रहता है। रिवर्स लगाना है तो देखिए हल्का सा किया यहाँ तक जाएगा, थोड़ा सा और प्रेशर दूंगा तो ये गियर आगे जाएगा, वहाँ पे आगे प्रेस करने पर आपका रिवर्स गियर लगेगा। ओके, और वापस गियर को निकालेंगे तो ये आपका अपनी जगह आकर रुक जाएगा जहाँ पे 3 और 4 लगेंगे। ठीक है, ये इसका मिडिल पोजीशन है। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये इसका स्पीड बताता है, ये RPM मीटर है, और यहाँ पर ये इसका फ्यूल मीटर है, और ये इसका बैटरी कितना चार्ज है ये बताता है, और यहाँ पर यह इसका गर्म ठंडे का बताता है, और ये क्या बताते हैं सर, ये एयर मतलब हवा बनाने वाला। अच्छा अच्छा, ये एयर, देखिए एयर के लिए बताता है। ठीक है, ओके। और ये है दोस्तों आपका अशोक लेलैंड का बस। ओके, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखा आपने, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।